अदालत ने पाकिस्तान की फतह का ऐलान कर दिया। दहशत गर्द कुलभूषण की सजाए मौत खत्म करने और हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद, सजा पर नजर ानी करना पाकिस्तान अदलिया का इख्तियार है। 42 सफात पर मुश्तमिल फैसला आ गया। हेड ऑफ जज तसद्दुक जलानी का इख्तलाफी नोट के वायाना कन्वेंशन जासूसों पर लागू नहीं होता। भारतीय दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी अदालत के फैसले पर खैर मकदम, ट्वीट में कहा कि कुलभूषण पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जराइम का मर्तकब है, पाकिस्तान कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। DGISPR ने कहा भारत को एक और सरप्राइज मिल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आला उस्मान बोजदार के साथ बैठक के अलावा अहम इजलासों की सदारत और लाहौर चैम्बर के नुमाइंदगान से मुलाकात करेंगे। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का गुस्सा, अमेरिका ने तुर्की को F-35 फायर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया। मॉनसून के दूसरे स्पेल का आखिरी रोज, दिन भर सूरज और बादलों की आंख में चोली जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी। मदीन पुलिस का मलूशा मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान घर से चोरी किए गए मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए। मुलजिम छापे से पहले फरार, सर्च ऑपरेशन शहरियों की भर्ती हुई शिकायत के नतीजे में किया गया। हरिपुर जायदाद के तनाजा पर फायरिंग, दो अफराद शदीद जख्मी। गुज़श्ता रोज दो ग्रुपों में जायदाद के तनाजा पर झगड़े में फायरिंग की गई, जिससे दो अफराद शदीद जख्मी हुए और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।